हेलो गाइस, वेलकम है आपका माय यूट्यूब चैनल DES फास्ट ब्लॉग में। फिलहाल मैं एक नया वीडियो लेकर के आज के वीडियो में बहुत अच्छी और जानकारी देने वाला हूं। आज आपके इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूं दोस्तों कि माता के दरबार में आप आते हैं तो क्या क्या लेकर के आना चाहिए दिवाली के समय पर, और दिवाली के समय पर काफ़ी दूर दूर से भक्त आए और क्या क्या लेकर के आए और यहाँ पर लाना जरूरी है या नहीं है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बहुत सारी जानकारी आपने माता जी के बारे में बहुत अच्छे से वीडियो देखा और समझा, आपने कमेंट भी किया, वीडियो को दोस्तों में शेयर भी किया, लेकिन ये वीडियो मेरी तरफ से आप पूरा देखना, थोड़ा सा नेट खर्च होने वाला, कोई बात नहीं, जानकारी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली, क्योंकि मुझे भी जानकारी नहीं थी, मैं भी खाली हाथ आ गया पहले की तरह, जो कि कुछ लेके आना था, बहुत ज़रूरी सामान है जो यहाँ पर एक बार दिवाली के समय जो लाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। होली हो या दिवाली हो, उसी समय पर जो कि मान्यता ज़्यादा अच्छी होती है और जो कि आपके ऊपर करा धरा होता है उसका पक्का इलाज आज के दिन और होली के दिन ही होता है। और हम यहाँ पर भक्तों से पूछेंगे क्या क्या लेकर के आए, इनके हाथ में भी चार गोले हैं, आपके हाथ में कितने गोले हैं? चार। आपके हाथ में चार गोले हैं? हाँ चार। तो आप पहले से आ रहे हैं या अब की बार आए हैं? पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं दिवाली पर, तो आपने मतलब गोले किस हिसाब से आते हैं, क्या आपको बताया था किसी ने, आपको पता है? जितने जैसे बच्चे जितने होते हैं उतने ही गोले लाने पड़ते हैं। अच्छा, इतने बच्चे होते हैं आपके, उतने ही गोले लेके आने होते हैं यहाँ पर, तो के इनका मतलब यहाँ पर स्थापन किए जाते हैं माता जी के चरणों में जी। तो दोस्तों यहाँ पर गोले लाने होते हैं चार, यानी कि आपकी कितने बच्चे हैं आपके पास में, दो तीन, तो उसी प्रकार से यहाँ पर गोले लाने होते हैं और अपनी खुशी के हिसाब से आप कुछ मीठा लेके आ सकते हैं माता जी के लिए और कुछ भी आप दक्षिणा में दे सकते हैं। और आपके ऊपर जो करा धरा होता है माता जी उनके आपके ऊपर स्थापित करके उतार करके उनको भेंट दिया जाता है गोलों की, और यहाँ पर आपका जो लास्ट हो जाता है जो आपके ऊपर आत्मा भूत प्रेत करा धरा होता है आज के दिन दोस्तों, ये बताया जाता है। और भी जानकारी लेने वाले हैं जो हमने, हमें इतना पता लगा हमने आपको बताया, और भी आगे चलेंगे और कुछ भक्त हैं और हमारी जो माता जी हैं उनसे भी आज के वीडियो में हम बात करेंगे, बताएंगे। माता जी आप तो काफ़ी साल से आ रही हैं, आपको कुछ पता होगी, इधर आओ। तो ये हमारी माता जी हैं, तो आप क्या क्या लेके आए यहाँ पर? लेके तो सब कुछ आते हैं, लेकिन जो आपकी श्रद्धाएं अंदर से भावना है वो सारी दूर हो जाती हैं। और जैसे कोई बीमारी है माताजी, वो भी हॉस्पिटल से आके यहाँ पर सब माता रानी के दरबार में बल्ले बल्ले करके जाते हैं सब। और पूजा का सामान जो माताजी लिखती हैं वो स्वयं लाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, वो तो स्वयं ही लिखती हैं। हाँ तो दोस्तों अब अंदर लेके चलते हैं, आपको हम दर्शन कराते हैं। हाँ। माता जी आप कितने समय से आ रहे हैं? मुझे हो गए 20 साल। अच्छा, 20 साल से माता जी आ रही हैं, देखिए आप समझिए कुछ 20 साल से आने का मतलब क्या है, इनको अच्छा खासा रिजल्ट मिला हुआ कुछ बात। तो माता जी आपको यहाँ पर आने से क्या लाभ मिला है? मेरा भाई को कैंसर था, मेरा भाई हॉस्पिटल से दिल्ली पूना मतलब सब जगह से मना कर दी कि ये ठीक नहीं हो पाएंगे, घर ले जाओ। फिर माता रानी के दरबार में आके मेरा भाई ने चरण छुए और चिन्नामृत पिया, माता रानी ने झारे दिए, मेरा भाई आज भी तक खूब अच्छा है और बढ़िया है। और माता रानी के दरबार में जो भी आता है वो ही सही होके बिल्कुल जाता है, कोई भी बीमारी या कैसा भी है, माता रानी की जितनी जय जयकार करेंगे उतना ही अच्छा होता है। तो आप क्या क्या लेके आए थे माता जी के दरबार में चढ़ाने के लिए? हम एक कैलेंडर लेके आए, दो दीपक लेके आए, प्रसाद लेके आए अपनी माँ के लिए, प्रसाद लेके, गोले वगैरह भी लाए थे हैं? गोले जो आते हैं, गोले भी माँ के दुआ से सब कुछ बढ़िया है, गोले वोले की जरूरत नहीं, आते हैं तो कोई बात नहीं है, ये तो माँ की वो है। देखिए दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से भक्त आते हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है आज के दिन, और सुबह 6 बजे से मतलब यहाँ आना जाना लग जाता है, चक्का जाम रहता है और कुछ भी भीड़ नहीं है, मतलब अभी तो बहुत खाली खाली है और यहाँ भीड़ तो यहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं होती है, भीड़ तो वीडियो क्या बन पाएगी दोस्तों। और भी वीडियो देखी होंगे आपने, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और अब हम थोड़ा सा अंदर लेके चलते हैं आपको, किस प्रकार से यहाँ पर इलाज हो रहे हैं। जय माता दी। तो देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ भक्त आए होते हैं और यहाँ पर भक्तों की जो इच्छाएं होती हैं वो जहाँ पूर्ण होती हैं, किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप यहाँ पे आइएगा और अपनी इच्छा को लेकर के यहाँ आप माता जी के पास गोले लेकर के आएँ, आपकी जो संतान है उसी हिसाब से आप गोले लेकर के आएँ। यहाँ पर पूजा भेंट की जाती है और यहाँ पर सारा यहाँ उतारा किया जाता है और माता जी के चरणों में जो गोले लाना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर काफ़ी प्रकार के प्रसाद आप ला सकते हैं, मिठाइयाँ ला सकते हैं, कुछ भी अपनी सिद्धा के हिसाब से ला सकते हैं। और यहाँ पर आपको प्रसाद के तौर पे साफ लाया हुआ आपको
वापसी मिल जाता है दोस्तों। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से भक्तों की जहाँ कतार लगी होती है दरवाजे को घेर करके ठाड़े होते हैं। इस समय भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, जो मैं आपको वीडियो बनाने का मुझे टाइम मिल रहा है। और दिवाली पर आएँ तो विशेष ध्यान रखिएगा, और यहाँ होली पे क्या क्या लाना होता है वो भी मैं आने वाले वीडियो में जल्द बताऊँगा आपके लिए। जय महालक्ष्मी माता की जय, सबके भंडार भरने वाली माता की जय, सबकी मनोकामना पूरी करने वाली माता की जय, बोल माँ वैष्णो देवी मैया की जय। मतलब तू आज तूने जो है ना बस भीतर घुसने की कोशिश करी है, भजन ना सुनाई आज भीड़ में घुसने की कोशिश करी है। Thank you.